जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से बात की है। मध्य एशिया संकट पर यह बातचीत हुई है। द्विपक्षीय मुद्दों पर जयशंकर ने चर्चा की है। सऊदी यूएई के विदेश मंत्रियों से भी बात की है। मोदी कर चुके हैं इजराइल और फिलिस्तीन से बात। विशाल, इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए मल्लिका, यहाँ पर भारत भी पूरी तरह से नजर बनाए हुआ है। जो भी कुछ इस वक्त वेस्ट एशिया में चल रहा है, इसराइल हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है, और इसी बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की है, क्योंकि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें भारत का भी बहुत ज्यादा स्टेक रहेगा, क्योंकि इन देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। और इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इसराइल पर हुए आतंकी हमले की निंदा की, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने गाजा पट्टी में जब अस्पताल पर हमला हुआ उस पर भी दुख व्यक्त किया। तो भारत हमेशा से अपने स्टैंड पर कायम रहा है, टू स्टेट सॉल्यूशन भारत का कहना है, और इसीलिए भारत भी अपनी तरफ से तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में बातचीत करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। मल्लिका, बिल्कुल, और आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने हर मुसीबत का डटकर सामना किया, हर खतरे से लड़ते हुए साहसिक रिपोर्टिंग की और हमारे व्यूअर्स तक एक एक तस्वीर युद्ध से जुड़ी पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। Z News.